नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांश पांडे है। मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ और मैं आप सभी लोगों के सामने स्वामी विवेकानंद जी की कुछ शिक्षाओं के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता के शिमला मोहल्ले में पिता विश्वनाथ दत्त तथा माता भुवनेश्वरी देवी के प्रथम पुत्र के रूप में हुआ। स्वामी विवेकानंद जी के पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के सुप्रसिद्ध अटॉर्नी थे तथा माता भुवनेश्वरी देवी का चरित्र बहुत ही अनुपम था। शैशव से ही नरेंद्रनाथ में ध्यान परायणता दिखाई देती थी। बाल अवस्था से ही नरेंद्रनाथ मेधावी, बुद्धिमान, निर्भीक, साहसी एवं मित्रप्रिय थे। वे एक बार भी जो पढ़ लेते या सुन लेते वह सदा के लिए उनके स्मृति पटल में अंकित हो जाता। उस समय पश्चात स्वामी विवेकानंद जी ने कठोर ब्रह्मचारी का व्रत ग्रहण करने का निर्णय लिया और श्री रामकृष्ण जी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। इस दौरान उन्होंने कई शिक्षादायी वाक्य प्रदान किए, इनमें से कुछ मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ज्ञान, भक्ति, योग और कर्म, यह चार मार्ग मुक्ति की ओर ले जाने वाले हैं। हर एक को उस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए जिसके लिए वह योग्य है। परोपकार ही धर्म है, पर पीड़न पाप। शक्ति और पौरुष पूर्ण है, पराधीनता पाप। स्वतंत्रता पूर्ण है, पराधीनता पाप। एकता ही पूर्ण है और अनेकता पाप। जिसमें आत्मविश्वास नहीं वही नास्तिक है। दुनिया तभी तक अच्छी हो सकती है जब हम स्वयं को पूर्ण और अच्छा बना लें। मैं अपनी बात कांत उनके एक शिक्षादायी वाक्य से करना चाहता हूँ। उत्तिष्ठत जागृत, प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो और औरों को जगाओ। अपने नर जन को सफल करो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। धन्यवाद।